नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया है जैसे कि अभी CGPSC के पैटर्न चल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछने का या फिर थोड़ा सा डीप में जा करके पूछने का। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने कोशिश किया है इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करने का। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था 11 दिसंबर को, उसमें जो पहला जो मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी भारत का जो भूगोल का 50 क्वेश्चन है इसको हम लोग किसी और वीडियो में किसी और दिन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारा ये जो एप्लीकेशन है CGPSC मैपोलॉजी, ये डाउनलोड करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। 199 रुपये का एक कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ये वाला कोर्स आप लोग जब बाय करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी पहला टेस्ट हुआ है इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी, इस प्रकार से टेस्ट आपको दिखेगा। ये सिर्फ पहला टेस्ट है, बाकी का जो टेस्ट है धीरे धीरे जो अपना समय जो यहाँ पर रखा गया है शेड्यूल, इस प्रकार से इस डेट में आते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सैम्पल टेस्ट भी है, एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे ये वाले कोर्स में आप जब जाएंगे तो एक सैम्पल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 20 क्वेश्चन का ये आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं किस प्रकार से आपको टेस्ट दिलाना है, कैसे क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर सहायता चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अचानक मार के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें देखो पहला क्या बोल रहा है कि 1975 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था, ठीक है। अचानक मार को 1975 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था, 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है, ये तो सही है। यह देश का 16वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, नहीं ये गलत है, ये 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, मुंगेरी जिले में स्थित है, हमको ये पता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। 16वां क्रम दिया है वो कितना होना चाहिए, 14वां क्रम होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में गलत कथन का, ठीक है, गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो पहला क्या बोल रहा है, ढेका में ब्रुक ब्रांड पेपर मिल स्थित है जिसे कनोई पेपर मिल के नाम से जाना जाता है, ठीक, ये सही है। जांजगीर चांपा में ब्रुक ब्रांड पेपर मिल एवं मध्य भारत पेपर मिल स्थित है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ब्रुक ब्रांड और मध्य भारत पेपर मिल, ठीक है। आप जब उद्योग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नवापारा रायपुर में हनुमान पेपर मिल स्थित है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट तो सही है। ये वाला देखते हैं, धनलक्ष्मी पेपर मिल डोंगरगढ़ में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है, मतलब कि उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, अरासमेटा, ठीक है, कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। तो अरासमेटा में कौन सा सीमेंट कारखाना है, ठीक है, यहाँ पर सीमेंट कारखाना है, तो कौन सा सीमेंट कारखाना है हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर कौन है, नुमोको, ठीक है, नुमोको, जिसको लाफार्ज सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो नुमोको सीमेंट कारखाना कहाँ है, अरासमेटा जांजगीर चांपा में है, ठीक है। और एक दूसरा भी जो नुमोको सीमेंट एक और है बलौदा बाजार में, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर है, ठीक है, बलौदा बाजार में कौन सा जगह है जहाँ पर नुमोको सीमेंट है, ठीक है। एक तो जांजगीर चांपा में देखते हैं, दूसरा हम बलौदा बाजार में देखते हैं, तो कहाँ पर है वो जगह का नाम बताइए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह के संबंध में सही कथन का चयन करना है, ठीक है, मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह के संबंध में सही कथन का चयन। तो इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है, ठीक है, सही है ये। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी सही है। यह कोरबा जिले में स्थित है, नहीं ये गलत है, ठीक है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, मतलब कि आपका ये वाला गलत है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है, ये जांजगीर चांपा में स्थित है, कोरबा में नहीं है, ठीक है। देखिए पांचवा क्या पूछा जा रहा है, सिद्ध बाबा का आश्रम कहाँ है। तो सिद्ध बाबा का आश्रम कहाँ है, बेलगहना में है, ठीक है, बिलासपुर में देखेंगे सिद्ध बाबा का आश्रम है। जब मंदिर वगैरह आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इंद्रावती नदी की प्रवाह की दिशा में इसकी सहायक नदियों को सही क्रम में जमाइए, ठीक है। इंद्रावती नदी कैसे प्रवाहित होती है, ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाह की दिशा ये है, तो इसी की दिशा में, ठीक है, प्रवाह की दिशा में हमको क्या करना है, इसकी जो सहायक नदी है इनको जमाना है, ठीक है, मतलब कि इस प्रकार जो इसकी सहायक नदियाँ आया करके इसमें मिली हैं, ठीक है, उनको क्रम में जमाना है हमको। तो देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहला क्या है, नारंगी है, गुडरा है, निबरा है, बोर्डिंग है, कोटरी है। चलो फिलहाल इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कौन कौन सा है, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये है, ठीक है, नारंगी, फिर बोर्डिंग, फिर गुडरा, फिर निबरा, फिर कोटरी, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो पहले क्या है, नारंगी नदी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले इस प्रकार से कोंडागांव में हम लोग देखते हैं नारंगी नदी है, फिर बोर्डिंग नदी है, ठीक है, इस प्रकार से बोर्डिंग नदी है, फिर यहाँ पर नारायणपुर साइड से हम लोग क्या देखते हैं, गुडरा नदी देखते हैं, फिर यहीं पर एक निबरा नदी देखते हैं, फिर कोटरी नदी देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, कोटरी नदी।
तो ये सभी क्या है, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये जिससे जिस प्रकार से पूछा गया है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको, इसी प्रकार से अभी CGPSC क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्रम में जमाई है, उत्तर से दक्षिण जमाई है, पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार से अभी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, डी। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, केशकाल घाटी में तेलीन माता का मंदिर है। ठीक, केशकाल घाटी महानदी एवं इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, ये भी सही है। टाटा मारे हिल स्टेशन केशकाल में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, आप लोग केशकाल घाटी जब अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर तेलीन माता का मंदिर है। ठीक है, ये जो महानदी और इंद्रावती के बीच में अपवाह जो अपवाह तंत्र है, मतलब महानदी और इंद्रावती अपवाह तंत्र के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का भी काम करती है। ठीक, केशकाल घाटी। ठीक, ऊपर देखेंगे तो आप महानदी अपवाह तंत्र, नीचे देखेंगे तो, ठीक इस प्रकार से नीचे देखेंगे तो आपके इंद्रावती अपवाह तंत्र है, मतलब गोदावरी अपवाह तंत्र है, और टाटा मारे हिल स्टेशन जो है वो भी केशकाल में स्थित है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब कि ए बी और सी सही हैं। निम्न में गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, गलत कथन का यहाँ पर हमको चयन करना है। तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम एवं कोंडागांव जिले में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। ठीक, ये भी सही है, मतलब ये सही है। छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट, ठीक है, कहाँ है, कबीरधाम जिले में बनाया जा रहा है। ठीक, ये भी सही है, जहाँ गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, कोंडागांव में बनाया जा रहा है एथेनॉल प्लांट में मक्के से एथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक, ये भी सही है, मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं, हमको गलत कथन पूछा गया था तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे लिए सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो पहला एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ है, कबीरधाम में बनाया जा रहा है, दूसरा कहाँ, कोंडागांव में। ठीक है, कबीरधाम वाला आपका गन्ने से बनाया जाएगा, ठीक है, गन्ने से एथेनॉल, और कोंडागांव वाला मक्का से। देखिए नौवां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो रामगिरी पर्वत सरगुजा जिले में स्थित है, जहाँ पर कालिदास ने मेघदूत की रचना की। ठीक है, ये तो सही है। लक्ष्मण बेंगरा में बांक जलकुंड एवं लक्ष्मण पंजा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। मैनी नदी ईब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, देखेंगे आप लोग ईब नदी इस प्रकार से, तो जसपुर में ही आपको इस प्रकार से एक मैनी नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। और जोबा पहाड़ से प्राचीन किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप लोग बलरामपुर में देखेंगे जोबा पहाड़ है, तो वहाँ पर प्राचीन किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन, मतलब ये जो पूछा, ये बोला यहाँ पर जो बोला गया है, लक्ष्मण बेंगरा में बांक जलकुंड एवं लक्ष्मण पंजा स्थित है, ये गलत है, मतलब कि आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बांक जलकुंड है और जो लक्ष्मण पंजा है, ये सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उड़गी तहसील के आसपास में आप देखेंगे तो सीतालेखनी पहाड़ है, उसी के आसपास में ये बांक जलकुंड और लक्ष्मण पंजा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा हम लोग सरगुजा जिले में देखें, रामगिरी पर्वत में। देखिए दसवां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दो कॉलम दिया गया है और इसमें जलप्रपात, ठीक है, एक साइड जलप्रपात दिया गया है और दूसरा नदी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नदी दिया गया है, रिहन नदी, बनास नदी, इस प्रकार से, और बाकी ये जलप्रपात दिया गया है, इनको हमको जमाना है। अब देखो CGPSC इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना CGPSC में, ध्यान थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा ऐसे कठिन टाइप का, कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान रहता है। अब देखो कैसे आसान है, जैसे कि हम रिहन नदी देखते हैं, ठीक है, सूरजपुर जिले में रिहन नदी देखते हैं, तो रिहन नदी में कौन सा है, रक्षगंडा जलप्रपात है, सभी को पता होगा। ठीक है, बनास नदी देखते हैं, ठीक, कोरिया जिले में बनास नदी है, तो बनास नदी में कौन सा है, रामदाह जलप्रपात है, ये भी आप सभी जान रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको जमाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है, ईब नदी में हम लोग छुरी बेने इस प्रकार से जलप्रपात जो है हम देखते हैं, तो ये बेने जलप्रपात, इस प्रकार से छुरी बेने गुल्लू, ये जलप्रपात हम देखते हैं, तो बेने जलप्रपात ईब नदी में आ जाएगा। कन्हार नदी में हम लोग कौन से देखते हैं, कोठरी जलप्रपात देखते हैं। ठीक है, कोठरी जलप्रपात, तो इस प्रकार से आप लोग इसको मैच करेंगे तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। बाकी कौन सा बचा, सरभंजा में, यहाँ पर ये मांड नदी। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा सही है इसका। ठीक है, ये आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, एक मिनट, देखिए सी सही है कि नहीं, पांचवा का ई, चौथा का सी, ठीक है, तीसरा का ए, दूसरा का, ठीक है सही है। अब देखिए इसके बाद, घटियारी का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक, घटियारी का शिव मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन हो जा रहा है, मतलब जनरली देखा जाता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन अभी आपका नहीं बना है, लेकिन अभी जैसे कि नया जिला बना है ना आपका, खैरागढ़, सुईखदान, गंडई, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। जितने भी जो नए जिले बने हैं, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, ये सभी से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गंडई, ठीक है, जो घटियारी का शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है, गंडई में स्थित है। ठीक
ठीक है, मैंने इसका एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे तो वहाँ मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, क्लास में भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। देखिए इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, छुई खदान बकरकट्टा मार्ग के संबंध में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन का हमको चयन करना है। छुई खदान बकरकट्टा मार्ग कहाँ है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो अपन देखें वहीं पर आपको जो छुई खदान से लेकर के बकरकट्टा तक का जो रास्ता है, इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं ना, ये आपका क्या है, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है। ठीक है, मानकर चलिए तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, खैरागढ़ देखते हैं, फिर छुई खदान देखते हैं, फिर गंडई देखते हैं, इस प्रकार से। ठीक, खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, इस प्रकार से। तो ये जो छुई खदान मैं बोल रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र जो छुई खदान है, तो इस छुई खदान से इस प्रकार से बकरकट्टा तक के, बकरकट्टा इस प्रकार से, इस प्रकार से मैकल पर्वत श्रृंखला देखते हैं ना, इस मैकल पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र में ये एक जगह है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो वो मतलब कि इस प्रकार से जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी वाले क्षेत्र से यहाँ तक छुई खदान तक जो रास्ता बनाया गया है, ठीक है, इसको छुई खदान बकरकट्टा मार्ग बोलते हैं। तो यहीं पर एक घुमावदार इस प्रकार से मोड़ बनाया गया है। ठीक है, इसका एक वीडियो जो बना हुआ है उसको जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने मोड़ हैं, टोटल 9 मोड़ हैं। ठीक है, जो मोड़ है आपका बकरकट्टा से लेकर के छुई खदान तक के जो रास्ता है, इसके बीच में यहाँ जो पहाड़ी है उसमें इस प्रकार से मोड़ जो बना हुआ है पहाड़ी में, इसमें 9 मोड़ हैं टोटल, और टोटल 14 किलोमीटर का। ठीक है, ये जो मार्ग है, ये मार्ग जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ये कितने का है, टोटल 14 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये जो 12 मोड़ बोला जा रहा है, तो ये 12 मोड़ नहीं है, 9 मोड़ होना चाहिए। यहाँ पर 41 बोला जा रहा है, मतलब कि ये 14 होना चाहिए। ठीक है, 14 किलोमीटर होना चाहिए। छुई खदान बकरकट्टा मार्ग में बैताल रानी घाटी है, ये भी सही है, मतलब ये सही है। ठीक है, ये जो बैताल रानी घाटी है ना, इसी वाले क्षेत्र में है ये तो। और इसके बाद देखिए, यह डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी गलत है। मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्यों ये वाला आंसर कौन क्यों होगा, क्योंकि ये भी गलत है। ये 14 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, डोंगरगढ़ बोला जा रहा है, डोंगरगढ़ में नहीं है, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है। ठीक है, छुई खदान के आसपास में है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा है, सी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए, महानदी पर बने बैराज को पूर्व से हमको पश्चिम जमाना है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जमाना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए बोला जा रहा है। आप जानते हैं महानदी इस प्रकार जो प्रवाहित होती है, इसमें हम लोग ये जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र है, बलौदा बाजार वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बैराज जो बनाए गए हैं, एक बैराज हम लोग कहाँ देखते हैं, रायपुर में देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, रायपुर में एक बैराज बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जांजगीर चांपा में हम लोग 5 बैराज एक साथ देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो गया ऐसे, इस प्रकार टोटल 5 बैराज हम लोग जांजगीर चांपा में देखते हैं। तो जो बैराज बनाए गए हैं, जैसे कि आपका सिवरी नारायण बैराज हो गया, बसंतपुर बैराज हो गया, मिरौनी साराडी, इस प्रकार से जो 5 बैराज बने हैं उनको हमको क्रम में जमाना है। ठीक है, क्रम में जमाना है, और कहाँ से कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट जमाना है, पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम है, तो हमको पूर्व से पश्चिम जमाना है, मतलब कि महानदी की जो प्रवाह दिशा है उसके विपरीत जमाना बोला जा रहा है। ठीक है, विपरीत जमाने के लिए ये बोला गया है। देखिए अब इसमें आंसर कौन सा हो सकता है, देखिए हम लोग जो देखते हैं ना, ये क्या है, पहला जो होता है कलमा बैराज है। ठीक है, शायद इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर कट गया होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। तो क्या है, कलमा बैराज हम लोग पहले पहले देखते हैं, फिर साराडीह बैराज देखते हैं। ठीक है, साराडीह बैराज, उसके बाद फिर मिरौनी बैराज आता है। ठीक है, मिरौनी, फिर बसंतपुर, और फिर शिवरी नारायण, इस प्रकार से बैराज हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, पहले कलमा बैराज आएगा, फिर साराडीह बैराज आएगा, फिर मिरौनी बैराज आएगा, फिर बसंतपुर बैराज आएगा, फिर शिवरी नारायण बैराज आएगा। ठीक है, कलमा, साराडी, मिरौनी, बसंतपुर, फिर शिवरी नारायण। ठीक है, तो इस प्रकार से बैराज है। और हम लोग एक यहाँ पर जो रायपुर में देखते हैं वो कौन सा बैराज है, समोदा। ठीक है, समोदा बैराज, ठीक है, समोदा बैराज किस में है, रायपुर में है। तो ये महानदी पर बनाए गए जितने भी जो बैराज हैं, इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा ऐसा। देखिए क्या बोला जा रहा है, नीचे जिले में उनके गठन की तिथि दिया गया है, और इसमें हमको चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा गलत संबंध है, इसको हमको चयन करना है। देखिए तो भरतपुर जो मतलब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, इसका गठन कब किया गया है, ये बोला जा रहा है कि 9 सितंबर को। ठीक, ये तो सही है, और इसी 9 सितंबर को ही सक्ती का गठन किया गया था। सक्ती जिला भी देखते हैं ना, उसका गठन कब किया गया था, सक्ती का मतलब 9 सितंबर को। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का बोल रहा है कि 2 सितंबर को, 2 सितंबर नहीं है, ये 3 सितंबर गठन किया गया था। ठीक है, 3 सितंबर को। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी देखेंगे, 2 सितंबर बोल, 1 सितंबर बोल रहे हैं, ये 1 सितंबर नहीं, ये 2 सितंबर था। ठीक है, और ये 2 सितंबर नहीं, ये 3 सितंबर है। ठीक है, इस प्रकार से इनका ये गठन का तारीख है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे आने वाले जितने भी जो एग्ज़ाम होंगे
उनमें आपको पर्टिकुलर एक जिले का नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि इसका गठन किस तिथि को हुआ है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मतलब आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है और खैरागढ़ छुखैदनगंडी, इन दोनों का गठन एक ही तिथि को किया गया है ना, 3 सितंबर को। इसी प्रकार से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती, ये इन दोनों का गठन कब किया गया है? 9 सितंबर को। 15वां देखिए, मनेन्द्रगढ़ में बनाए जा रहे हैं मरीन फॉसिल पार्क के संबंध में गलत कथन का हमको चयन करना है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ में जो मरीन फॉसिल पार्क, आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह में देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में इस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा, तो इसके संबंध में हमको गलत कथन का चयन करना है। देखो, यह 280 से 240 मिलियन वर्ष पुरानी परमियन युग के साक्ष्य हैं। ठीक है, यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मरीन फॉसिल पार्क में, वो कब के साक्ष्य बोला जा रहा है? परमियन युग के साक्ष्य हैं। तो जब आप लोग जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़ेंगे ना, अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको जब पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो पाएगा कि क्या होता है परमियन युग, क्या होता है प्री कैम्ब्रियन युग, क्या होता है जुरैसिक युग। तो इस प्रकार से जितने भी जो युग हैं उसके बारे में अभी खास करके अभी 1-2 साल से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि पूर्वी बघेलखंड का पठार किस युग में बना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ, मैंने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ था, ऑफलाइन क्लास में मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ था कि किस प्रकार से अर्थ का निर्माण हुआ, कैसे कैसे उसका जो टाइम स्केल है, किसका किसका निर्माण कब कब हुआ। ठीक है, मानव का विकास कब हुआ, जुरैसिक पार्क मतलब जुरैसिक युग वगैरह हम लोग देखते हैं, डायनासोर वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो सबका निर्माण एक एक करके कैसे कैसे हुआ, जितना भी जो पर्वत श्रृंखला है उन सभी पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, जो अलग अलग जो थ्योरी हम लोग देखते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखते हैं, ये सभी थ्योरी कैसे कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखो पहला ये बोला जा रहा है ये सही है। देखो यहाँ पर अगर 280 से लेकर 240 मिलियन वर्ष पूछा गया है ना, अगर यही आपसे पूछ दिया जाए करोड़ में, अगर ठीक है 28 करोड़ से लेकर के 24 करोड़ इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो भी वो सही रहेगा ना। तो करोड़ में पूछे फिर मिलियन में पूछे, उसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको आपको चेंज करने आना चाहिए। देखिए दूसरा क्या बोला जा रहा है, आमाखेरवा क्षेत्र में हसदेव नदी एवं हसिया नाला के संगम पर यह बनाया जा रहा है, सही है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन ये हमारे टेस्ट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हो सकता है फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन बने, क्योंकि जो हसिया नाला और हसदेव नदी, इस प्रकार से हम हसदेव नदी देखते हैं ना, कहाँ पे देखते हैं मतलब हसदेव नदी जो कोरिया में हम लोग देखते हैं, तो कोरिया में ही मनेन्द्रगढ़ तहसील के आसपास में इस प्रकार से एक छोटी सी इसकी सहायक नदी है, क्या नाम है? हसिया नाला। तो ये हसिया नाला और हसदेव नदी इसी के संगम स्थल पर इस प्रकार से इस वाले क्षेत्र में ये आपका मरीन फॉसिल पार्क निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आमाखेरवा नाम का एक जगह है उस वाले क्षेत्र में, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही है। और देखिए इसके बाद, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वो पाई जाती हैं, ध्यान में रखिएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत कथन हमको बोला है, तो गलत कथन उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में वर्षा के संबंध में गलत कथन का हमको चयन करना है, गलत कथन का। तो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में मानसून 1 जून को प्रवेश करती है, गलत है। छत्तीसगढ़ में 10% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है, ये भी गलत है। 90% वर्षा अरब सागरी शाखा से होती है, ये भी गलत है। जैसे देखो यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है ना, ये 10% यहाँ पर 90% ऐसा किया गया है ना, इसमें ध्यान में रखिएगा, जब हम ये हमारा छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ इस प्रकार से हमारे ये भारत इस प्रकार से देखते हैं, तो इधर से जो मानसून हमको प्राप्त होती है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और इधर ही देखो ये बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी से हमको मानसून प्राप्त होती है, इधर अरब सागरी शाखा से मानसून प्राप्त हो रही है, तो अरब सागरी शाखा से जो मानसून हमको प्राप्त हो रही है वो सिर्फ 10% होती है। ठीक है, तो अरब सागरी शाखा से केवल कितना होना चाहिए? ये 10% होना चाहिए, और बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा से हमको मानसून प्राप्त होती है वो कितना? 90% जो मानसून है वो यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, ये दोनों को उल्टा कर दिया गया है, बाकी इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है? गलत है। बाकी छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है? बहुत आसान है, सभी को पता होगा, कमेंट करके एक बार बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? देखो ये क्या बोल रहा है कि महानदी के किनारे इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना महानदी का प्रवाह, तो इसमें जितने भी जो इसके ठीक है किनारे में जो जगह है इनको हमको क्रम में जमाना है, और वो भी क्या बोला जा रहा है? दक्षिण से उत्तर, मतलब कि नीचे से ऊपर इस प्रकार से। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? राजिम देखते हैं, यहाँ पर सोंढूर, पैरी और
ठीक है, सोनढूर पैरी और महानदी के संगम स्थल पर इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, राजिम देखते हैं। ठीक है, ये राजिम हो गया। राजिम से ऊपर जाएंगे तो सिरपुर देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में हम सिरपुर देखते हैं, इस प्रकार सिरपुर। और आगे जाएंगे तो इधर बलौदा बाजार में आप पलारी देखेंगे। ठीक, कुछ इस वाले क्षेत्र में पलारी है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जांजगीर चांपा में शिविर नारायण देखने को मिलेगा, इस प्रकार शिविर नारायण। तो कौन सा सही रहेगा आपको? ठीक है, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिविर नारायण। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, सही है, पूछा गया है ना, सही बोला गया था। 18वां देखिए, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संबंध में से संबंधित सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सतनाम पंथ से संबंधित कौन सा नहीं है, कौन सा जगह नहीं है? तो इसमें कुदरगढ़ी, ठीक है, कुदरगढ़ी सतनाम पंथ से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों के तीनों जगह आप देखेंगे, ठीक है, गिरौदपुरी भी है, तेलासीबाड़ा भी है, भंडारपुरी भी है, तो तीनों के तीनों क्या है, सतनाम पंथ से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए इसके बाद 19वां, सर्वाधिक स्त्रीलिंग अनुपात किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे अधिक स्त्रीलिंग अनुपात किस जिले में है? तो ये है दंतेवाड़ा में। ठीक है, जब आप जनगणना पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा, मतलब कहाँ सबसे अधिक स्त्रीलिंग अनुपात है, कहाँ स्त्रीलिंग अनुपात है। देखिए क्या बोल रहे हैं 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंख्या के दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, गलत है। 16वां सबसे बड़ा राज्य है। देश के 4.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, गलत है। 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, सब पढ़े होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हज़ार 1001 है। ठीक है, ये भी गलत है। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 956 है। ठीक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो 1001 है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 1001। इस प्रकार से जब जनगणना आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इस उपरोक्त में से सही, मतलब उपरोक्त सभी क्या है, सही कथन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। बाकी इस प्रकार जो डेटा मैंने लिखा है उसको आप लोग देख लेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पिछले 2 वर्ष मतलब कि 19 से 21 में छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, 2019 से लेकर के 2021 तक के छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, जो कि ISFR रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, ISFR 2021 का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पूछा गया है। हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होता है ISFR का, ध्यान में रखिएगा। और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में कितना कितना वन कहाँ कहाँ पे है, कितना वनों में घटी, मतलब घटोतरी हुई है या फिर बढ़ोतरी जो भी हुई है, वो सब के बारे में यही जानकारी देता है। और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, फॉरेस्ट कवर, बम्बू रिसोर्स, ये सब के बारे में जानकारी यही रिपोर्ट देता है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर कौन सा है, 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है 2 साल में? ठीक है, ये पिछले 2 साल में, मतलब कि 19 से लेकर के 20 के बीच में, ठीक, कितना वृद्धि हुई है, 106 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुई है, ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से भारत में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना वन क्षेत्र है, सबके बारे में जानकारी थोड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है वाला क्वेश्चन। ISFR 2021 के अनुसार भारत में 19 से 21 तक, ठीक है, 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि है? देखो ये भारत में पूछा जा रहा है, अब इससे पहले छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भारत में कितनी वृद्धि हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना था, 106 वर्ग किलोमीटर था, और भारत में कितना है, 2261 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तांबड़ा घूमर या फिर मयूरा जलप्रपात, ठीक है, तांबड़ा घूमर को ही क्या बोलते हैं, मयूरा बोलते हैं, तो ये जलप्रपात कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है विंता घाटी, बस्तर में। आप देखेंगे बस्तर में बिंता घाटी है, उसी बिंता घाटी में क्या है, तांबड़ा घूमर जलप्रपात है। इसके बाद देखिए गलत कथन का चयन करना है इसमें, तो खेरकट्टा जलाशय निम्न निम्न में पखान, सो एक मिनट, ठीक है, ये कुछ गलत लिखा हुआ लग रहा है, ये खेरकट्टा जलाशय पखांजूर में स्थित है। ठीक है, ये वाला इसको काट दीजिएगा। ठीक, खेरकट्टा जलाशय पखांजूर में स्थित है। ठीक है, ये सही, हाँ ये सही है, खेरकट्टा जलाशय पखांजूर में स्थित है, आप सभी सभी जा रहे होंगे कांकेर में। ठीक है, मुंगरा बैराज राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर बनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, मुंगरा बैराज राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सिकासार बांध गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, ये भी सही है, जिसका निर्माण 1995 में, ठीक है, सही है ये भी, तो तीनों सही है। इसमें देखिए खेरकट्टा बांध जुहारी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जुहारी नदी नहीं है,
ठीक है, ये शायद आपका, चलो इसका फिलहाल याद नहीं आ रहा, ठीक है, कौन सी नदी है, तो देख लीजिएगा, खैरकट्टा जलाशय कौन सी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, कांकेर में है, या फिर मैं आपको 1 मिनट में चेक करके बता दे रहा हूँ, शायद मथौली नदी है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, खैरकट्टा जलाशय मथौली नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, मथौली नदी पर है ये, ठीक है, कांकेर में। चलिए बाकी ये सभी सही हैं, और ये वाला जो दिया गया था वो गलत था, जुहारी नदी नहीं है, मथौली नदी होना चाहिए, जुहारी नदी पर गोंदली जलाशय है, ठीक है, गोंदली जलाशय जो कि आपका तांदुला नदी का जो सहायक नदी है, मतलब कि आपका जो जुहारी नदी है वो तांदुला नदी की सहायक नदी है, और उसी में, ठीक है, मतलब कि जुहारी नदी पर क्या बनाया गया है, गोंदली जलाशय बनाया गया है, ठीक है, बालोद में हम लोग देखते हैं उसको। और देखिए महानदी के सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट हमको जमाना है, जैसे एक अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था ना, उनके जगह के बारे में पूछ दिया गया था, महानदी में कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे, उसको जगह बारे में पूछा गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर देखें इसके सहायक नदी, और एक और हम लोग देखे थे इंद्रावती की जो सहायक नदी है उसको भी हम लोग इसी प्रकार से देखे थे ना, पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको भविष्य में देखने को मिलेगा ही, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। तो महानदी के सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम में जमाना है, ईस्ट टू वेस्ट हमको जमाना है, इस प्रकार से महानदी है तो हमको इधर से इधर जाना है। तो हम पहले क्या देखते हैं, केलो नदी देखते हैं, केलो नदी देखते हैं, फिर मांड नदी देखते हैं, दोनों रायगढ़ में हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ शक्ति सॉरी जांजगीर चांपा में हम लोग क्या देखते हैं, बोराई नदी देखते हैं, ठीक है, शक्ति जांजगीर चांपा में, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बोराई नदी देखते हैं, फिर जांजगीर चांपा में हम लोग क्या देखते हैं, हसदेव नदी देखते हैं, ठीक है, बोराई आपका, बोराई शायद शक्ति में चला गया है, हसदेव नदी हमारे जांजगीर चांपा में है, तो इस प्रकार से 4 नदियों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, केलो, मांड, बोराई और हसदेव, ठीक है, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि इधर से इधर हमको जमाना था, ठीक है, पूर्व से पश्चिम जमाना था। अब देखें नदी एवं उनकी लंबाई के संबंध में गलत कथन का हमको चयन करना है, ठीक है, तो लीलागढ़ नदी की लंबाई बोला जा रहा है 135 किलोमीटर, सही है, कोटरी नदी की लंबाई बोला जा रहा है 135 किलोमीटर, यह भी सही है, मनियारी नदी की लंबाई 136 किलोमीटर बोला जा रहा है, गलत है, 134 किलोमीटर है ये, ठीक है, 134 किलोमीटर इसकी ये हम लोग लंबाई देखे थे। चलिए अरपन नदी की लंबाई हम लोग 100 किलोमीटर देखे थे, ठीक है, तीनों का एक साथ देखते हैं, लीलागढ़ नदी, मनियारी नदी, अरपन नदी, इस प्रकार से, तो सबरी नदी की लंबाई कितना, सबरी नदी की लंबाई कितना है, 173 हो जाए, ये भी सही है, ठीक है, सबरी नदी 173, ये भी सही है, मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, देखो लीलागढ़ नदी इस प्रकार से देखते हैं, इधर जांजगीर चांपा और इधर बिलासपुर, इसके बीच में यहाँ पर लीलागढ़ नदी है, ठीक है, लीलागढ़ नदी, बिलासपुर में इस प्रकार से अरपा नदी बहती है, और इस प्रकार से हम लोग मनियारी नदी देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो मनियारी नदी है 134 किलोमीटर देखते हैं, ठीक है, अरपा नदी हम लोग 100 किलोमीटर देखते हैं, और ये 135 किलोमीटर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, लीलागढ़ नदी को, तो इस प्रकार से तीनों नदियाँ हैं, बाकी ये सभी नदियों का और आप लोग देख लीजिएगा। लेटराइट मिट्टी के संबंध में गलत कथन का हमको चयन करना है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में गलत कथन का हमको चयन करना है, अब देखिए गलत कथन क्या है इसमें से, तो पहला क्या बोल रहा है, लेटराइट मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण, ठीक है, सही है, ये भवन निर्माण और ईंट निर्माण में किया जाता है, इसमें चूना व जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, ठीक है, निक्षलन पद्धति के माध्यम से इसका जो चूना व जैव पदार्थ है वो सब धूल के बह जाता है, मतलब घुल करके बह जाता है, तो ये भी सही है, यह बागवानी फसल के लिए उपयुक्त होता है, यह भी सही है, यह मिट्टी मैदानी क्षेत्र में बोला जा रहा है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, हम लोग देखते हैं ना जसपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, जसपुर सामरी पाट जो हम लोग देखते हैं वहाँ पर ये जो लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है, ठीक है, जसपुर सामरी पाट में, जितने भी जो पठारी क्षेत्र है ना वहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में नहीं पाई जाती ना, ध्यान में रखिएगा, मैदानी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये इसका सही हो जाएगा, मतलब कि गलत कथन पूछा गया तो ये डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब देखिए जोका पाट सामरी पाट के किस दिशा में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है, जोका पाट के बारे में पूछा गया है, जोका पाट शायद आप लोग पहली बार सुने होंगे या फिर और सुन भी चुके होंगे, तो जैसे कि हम बलरामपुर जब देखते हैं, जसपुर देखते हैं, बलरामपुर देखते हैं इस वाले क्षेत्र में, इस प्रकार जैसे कि इधर आपका जसपुर हो गया, ठीक है, इस इधर जसपुर हो गया, इधर बलरामपुर हो गया, इधर सरगुजा हो गया, ऐसे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लहसुन पाट, इस प्रकार से हम एक लहसुन पाट देखते हैं, ठीक, इधर लहसुन पाट देखते हैं, इधर सामरी पाट देखते हैं, ठीक, इधर सामरी पाट देखते हैं, लहसुन पाट देखते हैं, तो लहसुन पाट के इस वाले क्षेत्र में ही नीचे में आप देखेंगे इस प्रकार से जोका पाट है, ठीक है, जोका पाट,
ठीक है। तो जो जोका पाठ है देखा जाए तो सामरी पाठ है, ठीक है। ये क्या है? सामरी पाठ है। तो इस सामरी पाठ के किधर स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जोका पाठ सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए 28वां, महानदी पातंत्र एवं गंगा नदी पातंत्र के मध्य जल विभाजक का काम कौन कर रही है? ठीक है, महानदी पातंत्र और गंगा नदी पातंत्र के मध्य क्या कर रही है? विभाजक का काम कौन से क्या कर रही है? ठीक है, कौन सा पठार या फिर कौन सा जो पाठ है वो कर रही है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ऊपर में क्या है? गंगा नदी पातंत्र, नीचे में क्या है? महानदी पातंत्र, और एक कोरिया वाले क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से क्या देखते हैं? ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार देखते हैं। ठीक है, कोरिया वाले क्षेत्र में, कोरिया सूरजपुर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार थे। पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या कर रही है? दोनों के बीच में, ठीक, इस प्रकार से विभाजक का काम कर रही है। ठीक है, मध्य विभाजक का काम कर रही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, सिंगरौली बेसिन के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, सिंगरौली बेसिन किसको कहते हैं? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीएससी वगैरह में, एक बार देख लीजिएगा। तो रिहंद नदी को क्या बोलते हैं? सिंगरौली बेसिन, ठीक है, सिंगरौली बेसिन मतलब सॉरी सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। ठीक है, रिहन नदी बेसिन को, चलिए ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सिंगरौली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंगरौली आप देखेंगे ना, रिहन नदी इस प्रकार से ऊपर प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ इधर सूरजपुर जो जिला है, आगे जब निकलते हैं इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सिंगरौली नाम का एक जिला है वहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, तो उसके वजह से यहाँ पर सिंगरौली बेसिन इसको कहते हैं। महामाया लाव क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बालोद वाले क्षेत्र में क्या है? महामाया जो लौह क्षेत्र है वो स्थित है। ठीक है, डोंडी लहरा वाला जो क्षेत्र है ना, उसी के आसपास है महामाया वाला क्षेत्र। अब देखिए, फुटका पहाड़, केरता पहाड़ एवं पवन खेड़ा, तीन पहाड़ का नाम यहाँ पर दिया गया है, फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, खनिज पूछा गया है। ठीक, कोरबा में है ये फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, सभी कहाँ पे है? कोरबा में है, और इन सब में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये चंवरढाल में स्थित है, सभी को पता होगा। चंवरढाल हम लोग देखते हैं ना, इधर कोरबा है, इधर शक्ति, ठीक है, इधर शक्ति और जांजगीर चांपा है, इस वाले क्षेत्र में रायगढ़ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चंवरढाल इस प्रकार से लंबा विस्तार इस प्रकार से है चंवरढाल का। ठीक है, मतलब कि आपका कोरबा से लेकर के कोरबा शक्ति और यहाँ रायगढ़ तक, ठीक है, रायगढ़ के खरसिया तक इस प्रकार से क्या है? चंवरढाल की पहाड़ी है, लंबा इस प्रकार श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी पहाड़ी की श्रृंखला। तो ये चंवरढाल की जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी में क्या है? सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चंवरढाल की पहाड़ी में क्या है? सिंघनपुर की गुफा है। पचराही पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और शायद ये एक आध बार पूछा भी जा चुका है, पूछा नहीं गया होगा, देख लीजिएगा, शायद डीपाडी पूछा गया था। ठीक, कन्हार नदी किनारे डीपाडी था ना, वो उसको वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाफ नदी किनारे क्या है? पचराही जो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्यूचर में कभी अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाकर पूछता है तो। ठीक है, पचराही आपका कवर्धा वाले क्षेत्र में है और हाफ नदी के किनारे स्थित है, ठीक, कबीरधाम जिला में। और क्या पूछा जा रहा है? दीवान पट पर किस जिले से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, दीवान दीवान पट पर किस के लिए प्रसिद्ध है पूछा जा रहा है। देखिए, ये हो सकता है आपको पहली बार देखने को मिले। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक हिल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र में ही कवर्धा जिला के आसपास में एक दीवान पट पर नाम का जगह है। ठीक है, दीवान पट पर नाम का जो जगह है वो मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं इस प्रकार से, अगर कार को आप इधर चढ़ा रहे हो, लेकिन वो मतलब कि सॉरी कार को जाना चाहिए, अगर कार अगर वहाँ पर ब्रेक छोड़ कर अगर आप कार को रख देंगे तो जाना चाहिए उसको इधर, लेकिन वो जाएगा किधर? इधर इस वाले क्षेत्र में, ऐसे टाइप का, मतलब उल्टा दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, तो इसी क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक हिल बोल देते हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक हिल बोल देते हैं इसको। हालांकि वहाँ पर वो इस प्रकार से जो पहाड़ की स्थिति होती है उसके वजह से ऐसा होता है। तो ये जो दीवान पट पर है वो मैग्नेटिक हिल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसका देखिए, भंडारी टोला में कौन सा खनिज कम भंडारण है? ठीक है, भंडारी टोला में कौन सा खनिज कम भंडारण है ये पूछा जा रहे हैं। तो यहाँ है यूरेनियम खनिज। ठीक है, ये आपका शायद मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है। ठीक है, एक बार देख लेंगे, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में या फिर आपका ये राजनांदगांव, दोनों में से कोई एक है। तो भंडारी टोला उसी के आसपास है और यहाँ पर यूरेनियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ये होगा। चंवरढाल का विस्तार किन जिलों में है? अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चंवरढाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो शक्ति, कोरबा, रायगढ़। ठीक है, इस प्रकार से शक्ति, कोरबा, रायगढ़ में इसका विस्तार है, चंवरढाल की जो पहाड़ी है उसका, उसी में सिंघनपुर गुफा देखे हैं। उसूर की पहाड़ी किस
किस जिले में स्थित है? अब देखो ये क्या है ना, उसूर की पहाड़ी, अलबाका की पहाड़ी, अलबामा की पहाड़ी, ठीक है, लंकापल्ली, इस प्रकार से बहुत सारे जो जगह है वो आपका अब नया नया क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, सीजीपीएससी की पूछा जा रहा है। और खास करके ये जो बस्तर संभाग वाला क्षेत्र है ना, खास करके आपका बीजापुर और नारायणपुर, ठीक है, बीजापुर और नारायणपुर, यहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो पहाड़ी वगैरह है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, तो जो नो क्वेश्चन नहीं बना है वहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तो आपके खास करके बीजापुर और नारायणपुर, सुकमा, इस वाले क्षेत्र में जितने भी जो पहाड़ी है उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना, खास करके आपका ये बीजापुर और सुकमा में, ठीक है, बीजापुर और सुकमा में जो पहाड़ी उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बीजापुर में क्या है आपका? उसूर की पहाड़ी है। वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं? अलबाका की पहाड़ी देखते हैं, अलबामा की पहाड़ी देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वो और भी पहाड़ी है वहाँ पर, बहुत सारे पहाड़ी हैं, कुछ कुछ पठार हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे जलप्रपात है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबी जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ कुछ नदी है, ठीक है, बालाडीले की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसमें इस पर हम एक जलप्रपात देखते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी। देखिए इसका, देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहाड़ियों को उनके ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जमाओ, ठीक है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में इसको जमाना है। तो हम लोग यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी, लाफागढ़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, देखो इसका आंसर तो फिलहाल ये डी होगा, ठीक है। अब इसका आंसर डी क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? बढ़ते क्रम में जमा ऐसे पूछा गया, ठीक है, मतलब कि हमको पहले छोटा वाला लेना है फिर बढ़ते क्रम में। तो देखो जो देवगढ़ की पहाड़ी जो है ना, देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। लाफागढ़ की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1048, ठीक है, लाफागढ़ की ऊंचाई है इसका है 1076 मीटर। और ये पलमागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हमको क्या करना था? बढ़ते क्रम में जमाना था, और इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में जम गया, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी कोरियम आप देखेंगे, ठीक है, ऊंचाई है 1033। लाफागढ़ की जो पहाड़ी है, ये लाफागढ़ की पहाड़ी आप कहाँ है? कोरबा में, ठीक है, कोरबा में, कितना कोरबा में लाफागढ़ की पहाड़ी ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर। और अबूझमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर। पलमागढ़, ठीक है, पलमागढ़ हम लोग कहाँ देखते हैं? गोरेला पिंडा मरवाही वाले क्षेत्र में देखते हैं, 1080 मीटर। तो इस प्रकार से इसकी ये ऊंचाई है, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी हम लोग नारायणपुर में देखते हैं, तो इनकी ऊंचाई इस प्रकार से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका क्रम इसी प्रकार से हो सकता है आपको फ्यूचर में और क्वेश्चन देखने को मिले, एग्जाम वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, एकदम न्यू आपके लिए हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसको ध्यान में रखिएगा। और जो भी पहाड़ी है उनका क्रम भी आप लोग देख लेंगे। करनहार नदी का उद्गम स्थल बताइए। करनहार नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या है? खुर्जा पहाड़ी है, मैनपाट है, छुरीमतरंगा की पहाड़ी है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो कन्हार नदी का उद्गम होता है वो ना तो खुर्जा पहाड़ी से होता है, हो सकता है आपको खुर्जा पहाड़ी लग रहा होगा लेकिन खुर्जा पहाड़ी नहीं है, हम लोग बखाना चोटी देखते हैं, ठीक है। कन्हार नदी बखाना चोटी से निकलती है, जसपुर जिले में देखते हैं, ठीक है, जिला दर्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप लोग देखेंगे क्लासरूम वाला जिला दर्शन अभी नया अपडेटेड, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ था, पुराना जो यूट्यूब में डला है वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया था। तो कन्हार नदी का उद्गम क्या है? बखौना चोटी, ठीक है, इधर बखौना चोटी इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से इसके नीचे में खुर्जा पहाड़ी देखते हैं, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है, बखौना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। मवई नदी किस अपाह तंत्र का हिस्सा है? अब देखो मवई नदी हो सकता है पहली बार आप लोग सुने होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है नदी, फ्यूचर में आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में कई बार न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है, अवैध उत्खनन की वजह से बहुत बार ये एक तो न्यूज़ में रहता है, वैसे ही आपका और क्यों न्यूज़ में रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो अपन सीतामढ़ी हरचौका देखते हैं ना, रामायण जो स्थल है, मतलब कि राम वनगमन पथ में जो स्थल जितना भी चिन्हांकित किया गया है उसमें आपका वो सीतामढ़ी हरचौका भी है, तो वो सीतामढ़ी हरचौका मवई नदी किनारे ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा मवई नदी, ठीक है। आप क्या देखते हैं? हम लोग इस प्रकार जब कोरिया देखते हैं, ठीक है, ये कोरिया है इस तरह से, तो कोरिया में यहाँ पर ध्यान देंगे इस वाले क्षेत्र में क्या है? सीतामढ़ी हरचौका है, ठीक है, रामायण मतलब राम वनगमन पथ का ये एक हिस्सा है, मतलब एक जगह है ये, तो ये जो यहीं पर इस प्रकार से है, ठीक, इस प्रकार से क्या है? मवई नदी है जो कि बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी इस प्रकार से, ठीक है, ये बनास नदी, और इस बनास नदी की सहायक नदी क्या है? मवई नदी है इस प्रकार से ये, ठीक है, बनास नदी की सहायक नदी क्या है? मवई नदी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? इस प्रकार सोन नदी देखते हैं, सोन नदी की सहायक नदी यहाँ पर बनास नदी, अरे बनास नदी की सहायक नदी यहाँ पर मवई नदी है,
इस प्रकार से, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ये वाला क्षेत्र आपको भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सीमा विभाजक का काम भी करती है मवई नदी, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, सोन गंगा पाहतंत्र का हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पर सोन नदी है इसका हिस्सा हो जाएगा। मोरन नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है बताइए, ठीक है। हो सकता है आप लोग इसको भी पहली बार सुने होंगे या फिर देख भी लिए होंगे, क्वेश्चन वगैरह एक बार आप मतलब पूछा नहीं गया है लेकिन न्यूज़ में रहता ही है मोरन नदी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, सूरजपुर और बलरामपुर है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप सूरजपुर देखते हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पर इधर जो बलरामपुर वाले क्षेत्र आप देखते हैं, चलो तो ये आपका ये इस वाले क्षेत्र में क्या है, मोरन नदी है, ठीक है। जो रिहंद नदी हम लोग देखते हैं ना, ये रिहंद नदी, इस प्रकार से ये रिहंद नदी की सहायक नदी है मोरन नदी, एक महान नदी है इस प्रकार से महान नदी, ठीक है। यहाँ पर ये मोरन है, और चलिए ये मोरन नदी है और ये रिहंद नदी है, ठीक है। यहाँ पर रिहंद है, तो ये रिहंद नदी की सहायक नदी क्या है, महान है, मोरन है। तो मोरन नदी का अगर अपाह क्षेत्र अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सूरजपुर और बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने पूरा अच्छे बहुत शानदार तरीके से पूरे क्लासरूम में डिस्कस किया था, कैसे कैसे क्या क्या होता है, जितने भी नदी अपाह तंत्र है उन सबको, ठीक है। पूरे भूगोल बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग क्लास वगैरह हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, बाकी न्यू स्टूडेंट को हो सकता है नया नया क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लासेस वगैरह अभी भी चल रही हैं, अगर ज्वाइन वगैरह करना होगा तो नंबर आपको स्टार्टिंग में मिला होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, रायपुर में हमारा सेंटर है वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी चलता है एप्लीकेशन में। देखिए इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में सोनगंगा पाहतंत्र का जल संग्रहण क्षेत्र कितना है, सोनगंगा पाटनत्र का जल संग्रहण क्षेत्र कितना, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 13.62%, ठीक है। जितना भी जो पाटनत्र है उसका जल संग्रहण क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं, ठीक है। इधर महानदी का, इधर सोन गंगा पाटनत्र का, ठीक है। सोन गंगा फिर गंगा नदी पाटनत्र सब बोला जाता है उसको, नीचे गोदावरी नदी का, ठीक है। तो ये सबका पाटनत्र के बाद मतलब जल संग्रहण जो क्षेत्रफल है उसको देख लीजिएगा कितना कितना प्रतिशत है, महानदी का 56, फिर इसका नीचे गोदावरी नदी का 28%, फिर 13%, ठीक है। इस प्रकार से हम अलग अलग देखते हैं उनको, तो एक बार देख लीजिएगा कितना कितना है, फ्यूचर मतलब एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए। नदी तथा उनके पौराणिक नाम असुमेलित है, ठीक है, असुमेलित पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सोन नदी को क्या कहते हैं, हिरण्यबाहु कहते हैं, सही है। हसदेव नदी क्या कहते हैं, हस्ती सोमा कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं पता होगा लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हस्ती सोमा किसको कहते हैं, हसदेव नदी के पुराना नाम है, ठीक है। पौराणिक नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, वैसे आपका संस्कृत में सोन नदी क्या कहते हैं ऐसे पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा हिरण्यबाहु, ठीक है। एग्जाम में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, संस्कृत में क्या कहते हैं सोन नदी को, हिरण्यबाहु कहते हैं, और हसदेव नदी क्या कहते हैं, हस्ती सोमा, ठीक है, पौराणिक नाम इनका। परी नदी क्या कहते हैं, पलासनी कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, पढ़े होंगे आप, पलासनी कहते हैं परी नदी को। अरपन नदी को क्या बोला जा रहा है, निडला बोला जा रहा है, नहीं ये गलत है, ठीक है। अरपन नदी को निडला नहीं कहते हैं, निडला किसका नाम है, ठीक है, निडला या फिर निडला किसका नाम है, लीलागढ़ नदी का नाम है, ठीक है। लीलागढ़ नदी हम लोग देखते हैं ना, जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच में सीमा विभाजक का जो काम करती है लीलागढ़ नदी, उसका नाम है निडला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको सही कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि असुमेलित हमको पूछा गया था। इंद्रावती वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो जितने भी अभयारण्य उनका क्षेत्रफल रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका सीक्वेंस भी आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। देखो तो ये जो इंद्रावती वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 12.58, ठीक है। और वैसे 12, सॉरी 12 पर वो आपका गुरु घासीदास का कितना है, 14.41, ठीक है, इतना, सॉरी यहाँ पर वर्ग किलोमीटर लगा लीजिएगा, ठीक है, क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर से दर्शाते हैं। बारनापारा वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। बारनापारा वन्य जीव अभयारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बलमदेई नदी, ठीक है। और भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब देखने को मिला होगा, बलमदेई नदी प्रवाहित होती है। दिए गए वन्य जीव अभयारण्य को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में जमाइए। देखो इसको हम लोगों ने ट्रिक बनाकर समझा हुआ था, ठीक है, जितने भी जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से समझा हुआ है, कैसे कैसे उसको हमको मतलब कि सीक्वेंस में याद रखना है। देखो इसका सही आंसर कौन सा है, सीता, ये वाला सीता नदी, अचानक मार, सेमार सोत, गोमर्दा, ठीक है, हम लोगों ने इसी क्रम में पढ़ा हुआ था। देखो पहले तमोर पिंगला देखते हैं, तमोर पिंगला देखते हैं, फिर सीता नदी, अचानक मार, सेमार सोत, और फिर आगे इधर, और इस प्रकार से अपन देखते हुए जाते हैं। तो इसमें देखिए यही वाला आपका ये सही है, ठीक है। जितना भी जो मतलब कि भारण है उनको आप लोग देख लीजिएगा, उनको क्षेत्रफल को भी देख लीजिएगा कितना कितना है,
देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में नहीं है? नम्बी जलप्रपात, नम्बी जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? बीजापुर में है। अलबका अलबामा की जो पहाड़ी अपन देखते हैं ना, उसी वाले क्षेत्र में नम्बी जलप्रपात है, ध्यान में रखिएगा। गोदना जलप्रपात कहाँ है? ये गरियाबंद में है, ठीक। गरियाबंद में जो उदंती नदी हम लोग देखते हैं ना, गरियाबंद उदंती नदी और तेल नदी की सहायक नदी है उदंती नदी, वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? गोदना जलप्रपात देखते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर बेना जलप्रपात, बेना जलप्रपात आपका जसपुर में है, ठीक है, जसपुर में देखते हैं इसको। अपन कौन से नदी पर देखते हैं इसको? ईब नदी में देखते हैं, ठीक है, ईब नदी में गुल्लू छुरी बेना ये सभी देखते हैं। तो इसके सही आंसर कौन सा आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सारे के सारे जलप्रपात हैं। देखो सही कथन का हमको चयन करना है। गोंदली जलाशय जुहारी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, गोंदली जलाशय जुहारी नदी पर बनाया गया है, सही है। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो बालोद जिला है, बालोद जिला में हम लोग क्या देखते हैं? तांदुला नदी, इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। अगर ये बालोद है तो इसमें क्या हम तांदुला देखते हैं, यहाँ पर खरखरा देखते हैं, तो तांदुला की सहायक नदी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, कौन सा? जुहारी नदी, ठीक है। क्या है? जुहारी, ठीक है, जुहारी या फिर जुहारी, जुआरी बोला जाता है, ठीक है, जुआरी या जुहारी इस प्रकार से बोला जाता है, ध्यान में रखेगा उसको। और इसी में क्या है? गोंदली जलाशय है, इस प्रकार से गोंदली जलाशय, ठीक है। और ये खरखरा है, यहाँ तांदुला, तांदुला हम लोग क्या देखते हैं? तांदुला जलाशय देखते हैं, खरखरा में खरखरा जलाशय देखते हैं, इस प्रकार से। तो ये वाला सही आपका सही हो गया। सूतियापाट बांध कबीरधाम जिला में, सूतियापाट बांध क्या बोला जा रहा है? कबीरधाम जिला में है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। सूतियापाट बांध कहाँ है? कबीरधाम जिले में, ठीक है। जितने भी जो बांध है कबीरधाम में, उसको हम लोगों ने कैसे देखा था? जैसे कबीरधाम जाएंगे, खीर खाएंगे, तो क्या होगा? सर्दी होगा, सर्दी होगा तो हम दर्द से कराहेंगे, ऐसे हम लोग देखे थे। तो कर्रा नाला हम लोग देखे थे, सर्दी से हम लोग क्या सरोदा देखे थे, ठीक है, सूतियापात है। अब दर्द से कराह रहे हैं तो क्या करेंगे? सूत जाएंगे, सो जाएंगे, तो सूतियापात हम लोग देखे थे, ठीक है। और वैसे अपन खीर खाएं, मतलब कि और क्या देखे थे? सरोदा देखे थे, सर्दी हो, ऐसे इस प्रकार से अपन सभी को देखे थे, ठीक है। एक बार ट्रिक को देख लीजिएगा, जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो लोग देख लेंगे ट्रिक को, ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। ये भी सही है, ये भी सही है। और क्या है? खैर कट्टा जलाशय मथौली नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक। खैर कट्टा जलाशय कहाँ है? मथौली नदी पर, ठीक है, कांकेर जिला में है। कांकेर जिला में क्या है? खैर कट्टा जलाशय है मथौली नदी पर, ध्यान में रखेगा। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। रायपुर जिला में निम्न में कौन सा बांध नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बांध नहीं है, पूछा है। अब देखो रायपुर से पहले क्वेश्चन नहीं बनता था, अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन बनना शुरू हुआ है ना, तब ये सारे क्वेश्चन को हमको इस प्रकार ये डालना हम शुरू किए हैं। क्योंकि पहले तो फिलहाल एक ही देखते थे हम, समोदा देखते थे पहले, ठीक है, समोदा बैराज। अब ये टीला बांध भी पूछा जा चुका है, पेंड्रावन बांध भी पूछा जा चुका है, इसीलिए इनको देखना पड़ रहा है। समोदा भी रायपुर में है, बाकी आपका ये चार बांध नहीं, चाकेर बांध होगा, ठीक है, चाकोर चाकेर बांध यहाँ पर लिखा, या फिर चार बांध जैसे भी रहेगा, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये बांध रायपुर जिला में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। CGPSC 2022 के लिए टेस्ट सीरीज इस प्रकार से ये डला हुआ है। पहला टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने, ये छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन टेस्ट में आपको मिल जाएगा, तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर लिए, इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट मिलेगा। पहला जो टेस्ट है सैम्पल टेस्ट है 20 क्वेश्चन का, जाकर इसको अटेम्प्ट करिएगा, तो आपको पूरा और जो भी और कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आपको और देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट का भी, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इंडियन हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का कैसे रहेगा, और अदर जो टॉपिक है उनका क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो वो सैम्पल टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सभी प्रकार का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ अगर डाउट होगा तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। PDF अगर इसका अगर चाहिए होगा तो व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट करिए हमसे, PDF आपको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।